मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपा कर दीप प्रज्वलित कर इस समारोह को प्रारंभ करने की प्रारंभिक स्थिति हमारे सामने आ सके, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित करें। एक बार पुनः आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत किया जाएगा। मैं अब माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वे महामहिम कुलाधिपति जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। और अब मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वे महामहिम कुलाधिपति से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के विधिवत शुभारंभ की घोषणा हेतु निवेदन करें। मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने का निवेदन करता हूं। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूँ। इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के विधिवत शुभारंभ की घोषणा के साथ ही मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वे विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या एवं यहां उपस्थित तमाम अभ्यागत जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय कुलपति, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर के पाल जी, परम आदरणीय एवं माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर आर सी मिश्र, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण एवं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं बाहर से आए सम्मानित अतिथिगण, समस्त छात्रों, उनके अभिभावकों तथा मीडिया के सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा को अग्रगामी बनाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस समय अपनी शैक्षिक यात्रा के 12वें वर्ष में चल रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय की प्रेरणा और निरंतर मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस हेतु हम सब कुलाधिपति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने गत नवंबर माह में अपना प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया था, जिसमें वर्ष 2014-15 के उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री तथा पदक प्रदान किए गए थे। आज हम द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सत्र 2015-16 के उत्तीर्ण छात्रों को महामहिम उपाधि प्रदान करेंगे। यह माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रेरणास्पद निर्देश का ही परिणाम है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस दीक्षांत समारोह की गरिमा में बेला में न सिर्फ आप अध्यक्षता कर रहे हैं, अपितु दीक्षांत उद्बोधन भी आप स्वयं दे रहे हैं। आदरणीय महामहिम जी न केवल कर्मठ पुलिस प्रशासक रहे हैं, अपितु कुशल राजनीतिक चिंतक, अध्यवसायी और भूमिका प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व भी हैं।
दीक्षांत समारोह के गरिमामय अवसर में न्याय और अनुशासन की प्रतिमूर्ति माननीय राज्यपाल जी की गौरवपूर्ण उपस्थित से यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो उठा है। ऐसे व्यक्तित्व को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम गौरवान्वित हैं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देवी और सज्जनों, दीक्षांत समारोह किसी भी छात्र के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर होता है, किंतु मेरा मानना है कि हम सब शिक्षकों के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण भी होता है। दीक्षांत समारोह का महत्व किसी शिक्षक के लिए उसके अपने श्रम के निष्कर्ष को देखने जैसा है। यह हमारे अपने कार्य का परिणाम भी है, साथ ही यह मूल्यांकन का दिवस भी है। दीक्षांत समारोह केवल अतीत का मूल्यांकन नहीं, अपितु भविष्य का संकेतक भी है। विद्यार्थी हमारे भविष्य के बोधक हैं। दीक्षांत समारोह में प्राप्त उनकी सफलता और उनके भविष्य निर्माण की पीठिका बनेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के समारोह में 2015-16 में उत्तीर्ण स्नातकों, परास्नातकों और स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों में से 7,140 छात्रों को ही उपाधियों से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही इसी एकेडमिक वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 18 स्नातकों एवं परास्नातकों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त इस दीक्षांत समारोह में 2 कुलाधिपति स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें से 1 परास्नातक स्तर पर और 1 स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इस अवसर पर मैं संक्षेप में विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा का उल्लेख करना चाहता हूँ। हम अपनी भौगोलिक पहुँच में जहाँ प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहीं तकनीकी कुशलता और गुणवत्ता परक मानवीय संसाधनों में हम सबसे आगे रहे हैं। इस समय हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 38,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। हमारी छात्र संख्या क्रमशः बढ़ रही है। विश्वविद्यालय में प्रथम बार 1 जनवरी 2017 से शीतकालीन सत्र में प्रवेश आरंभ किए गए, जिसमें छात्रों ने अधिकाधिक संख्या में प्रवेश लेकर दूरस्थ शिक्षा के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। जनवरी सत्र में अब तक हमारी छात्र संख्या 10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ऑनलाइन प्रवेश को प्रोत्साहित करने हेतु ऑनलाइन विवरणिका भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय अब पाठ्यपुस्तक सीधे अध्ययन केंद्र पर भेज रहा है, जिससे छात्र सीधे विश्वविद्यालय से जुड़कर प्रभावपूर्ण संवाद स्थापित कर सके। आज विश्वविद्यालय 13 विद्या शाखाओं के भीतर 80 पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन पाठ्यक्रमों में जहां बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम हैं, वहां दूसरी ओर प्रबंध अध्ययन, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, समाज कार्य, आपदा प्रबंधन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे व्यावसायिक एवं रोजगार परक पाठ्यक्रम भी है। हमने कौशल विकास से संबंधित विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। मारुति उद्योग, टाटा मोटर्स, टीवीएस, अशोक लेलैंड जैसी अनेक कंपनियों के साथ विश्वविद्यालय ने अनुबंध किए हैं। इस परियोजना के तहत जहां लगभग 5,000 से ज़्यादा छात्रों को मासिक स्टाइपेंड मिलता है, वहीं व्यावहारिक ज्ञान से संपन्न पढ़ाई की कार्यकुशलता का अर्जन भी होता है। इसके पश्चात इनमें से लगभग 3/4 छात्रों को रोजगार भी मिल जाता है। महामहिम जी की उच्च शिक्षा के प्रति गुणवत्ता परक दृष्टि के कारण राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2016 से विकृत परीक्षा की वर्तमान व्यवस्था को आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से समाप्त करते हुए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हस्तांतरित किया है। इस निर्णय के फलस्वरूप आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातक में बीए बीकॉम प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर में एमए एमकॉम प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों का पंजीकरण दूरस्थ शिक्षा माध्यम पद्धति के माध्यम से ही होगा। इस हेतु विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक एवं भौतिक अधोसंरचना को व्यवस्थित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रदेश सरकार से मिले अनुदान से विश्वविद्यालय अपनी प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन का एक हिस्सा पूरा कर लिया है। विश्वविद्यालय में जल्द ही कुलपति आवास, गेस्ट हाउस, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, पुस्तक रखरखाव एवं वितरण केंद्र एवं आईटी एकेडमी के निर्माण से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय है। इसमें छात्रों को स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हमारे यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ज्योतिष, सामाजिक कार्य, योग, पर्यटन, अर्थशास्त्र एवं होटल मैनेजमेंट में अपनी स्वनिर्मित अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उर्दू, संगीत, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान एवं गृह विज्ञान में हम अपने स्तर पर स्नातकीय लेवल पर अपनी अध्ययन सामग्री निर्मित कर ली है। वाणिज्य, विज्ञान और प्रबंध में हमारी पाठ्य सामग्री निर्माणाधीन है। पूर्व में हम विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंध तथा समाज विज्ञान के परास्नातकों की पुस्तकें दूसरे विश्वविद्यालयों से ले रहे थे, परंतु सत्र 2017-18 से हम सभी विषयों में अपने स्वयं की अध्ययन सामग्री निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उत्तराखंड राज्य की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि को विशेष तौर से रेखांकित किया गया है।
पाठ्य सामग्रियों के अतिरिक्त हम ई कंटेंट की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय के पास हेलो हल्द्वानी नामक अपना कम्युनिटी रेडियो है, जिस पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन से लेकर साहित्य, संस्कृत के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी अपनी छात्रोपयोगी सामग्री तथा जागरूक कार्यक्रमों के कारण आसपास के क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2017 को इस विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो विभाग द्वारा कम्युनिटी रेडियो इंडियन चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉलेज शेयरिंग विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT मुंबई द्वारा ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नामांकन तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात IIT मुंबई द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय के छात्रों को लाभ होगा और इसकी पूर्ण जानकारी छात्रों को दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के पश्चात हम MPhil तथा PhD कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय के शैक्षिक निकायों से उनकी कार्ययोजना को स्वीकृत प्राप्त कर ली है। साथ ही हमें BEd स्पेशल तथा BEd सामान्य शुरू करने के लिए नियामक संस्थाओं, राष्ट्र की अध्यापक शिक्षा परिषद एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता मिल गई है। इस समय हम BEd की पाठ्य सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। पाठ्य सामग्री निर्माण के पश्चात ही दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की अनुमति प्राप्त कर हम इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। UGC के दिशा निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा आधार पाठ्यक्रम के रूप में 2017-18 से प्रारंभ किया जा रहा है। UGC ने विश्वविद्यालय को यह भी स्वीकृति दी है कि वह एक वर्षीय या उससे कम अवधि के ऐसे डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम संचालित कर सकता है जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी यानी अध्ययन बोर्ड, विद्या परिषद एवं कार्य परिषद से अनुमोदित हो। व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा के अंतर्गत हम कौशल विकास से जुड़े इस प्रकार के दो प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल स्केल एंड प्रोसेसेस सत्र 2017-18 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यह पाठ्यक्रम ऐसे युवाओं को केंद्र में रखकर विकसित किया गया है जो व्यावसायिक क्षेत्र में अपने पेशेवर जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के अंतर्गत डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जाने प्रस्तावित है। इसी प्रकार मनोविज्ञान विषय में स्मृतिवर्धक विज्ञान में प्रमाण पत्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। केंद्र एवं राज्य सरकार संस्कृत भाषा के विकास को लेकर विशेष प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय MOOC द्वारा UGC द्वारा प्रस्तावित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। BCA में MOOC के कोर्स के क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था प्रावधित की गई है। इसमें IIT मद्रास के कोर्सेज को शामिल किया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संस्थागत रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में OER की नीति निर्मित कर ली गई है। दिनांक 3 एवं 18 मार्च 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार सिमका नई दिल्ली द्वारा आयोजित सलाहकार सह परामर्श समिति की बैठक में कुलपति द्वारा सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया गया। बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित देश के विभिन्न संस्थानों से आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में OER नीति के संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के प्रयोग में प्रदेश में अग्रणी है। इस कैंपस में पूर्णतः Wi-Fi की सुविधा से युक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में ICT से संबंधित समस्त सुविधाएं एवं संसाधन मौजूद हैं, जिसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। ICT डिपार्टमेंट के सक्रियता का एक प्रमाण हमारा ई ग्रंथालय ऐप है। इस ग्रंथालय का लैब प्राध्यापकों के साथ छात्रों को भी मिल रहा है। इसके अलावा सभी विषयों के अपने ब्लॉग हैं, जिसके जरिए छात्रों को विषय की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहती है। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा तैयार विद्यार्थियों के हितार्थ 20 से 25 मिनट की अवधि के वीडियो भी तैयार किए गए हैं। ये वीडियो पाठ्यक्रम पर आधारित है और विद्यार्थियों में विषय के ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 170 विभिन्न विषयों के वीडियो वक्तव्य उपलब्ध है। विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड होने वाले वीडियो लेक्चर को छात्र अभी सीधे सीधे सुन सकता है, वही भविष्य में वे मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीय स्तर पर शुरू होने वाली स्वयंप्रभा नाम के 4 शैक्षणिक चैनलों और स्वयं नाम से MOOC पोर्टल पर भी इनका प्रसारण होगा। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी सजग है। माननीय कुलाधिपति जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय ने 2 वर्ष पूर्व 5 गांव गोद लिए थे, अब उनकी संख्या 7 हो गई है। सामुदायिक सहभागिता के क्रम में विश्वविद्यालय उनके स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर तथा परामर्श सत्रों का आयोजन भी करता है। इसी क्रम में 25 दिसंबर 2016 को तल्ली हल्द्वानी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया।
ग्रामवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। 7 फरवरी 2017 को मुथारावाला देहरादून में स्थित श्री गुरुराम इंटर कॉलेज में यूसर के सहयोग से विश्वविद्यालय ने एक शिविर का आयोजन किया। शिविर में योग के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक किया गया, इसके साथ ही उन्हें दूरस्थ शिक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। 26 फरवरी 2017 को तल्ली हल्द्वानी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया था, निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। 6 मार्च 2017 को समालटा चक्राता देहरादून में यूसर के सहयोग से एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, इसमें ग्रामवासियों को विज्ञान के प्रति जागरूक किया गया। विश्वविद्यालय ग्रामवासियों को उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श देने हेतु एक चिकित्सालय खोले जाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से गत शनिवार को हुई भेंट के दौरान उन्होंने इस दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन एवं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस अवसर पर मैं अपने समस्त शिक्षक साथियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से विश्वविद्यालय को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस और मीडिया के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही राज्य सचिवालय और राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सहयोग से यह विश्वविद्यालय अपने छात्रोन्मुखी प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमें आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 के प्रथम प्रति महामहिम को प्रस्तुत करना चाहूँगा एवं साथ ही कुलसचिव से भी अनुरोध करूँगा कि वे वार्षिक प्रतिवेदन की प्रमुख बातों को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद। विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन का यह प्रथम अंक है और यह पहली बार प्रकाशित हो रहा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम के अध्याय 8 की धारा 34 में उल्लिखित है कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा। एतदनुरूप अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति एवं निर्धारित दिशा के साथ साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद अर्थात नैक के 7 महत्वपूर्ण आयामों को स्वीकार करते हुए इस एनुअल रिपोर्ट को बनाया गया है। ये 7 बिंदु हैं: पाठ्यचर्या आयाम, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन, शोध परामर्श एवं प्रसार, अधिसंरचना एवं अधिगम संसाधन, शिक्षार्थी सहायता सेवाएं एवं प्रगति, प्रशासन, नेतृत्व एवं प्रबंध, नवाचार एवं उत्तम क्रियाएं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर विश्वविद्यालय का यह वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है। चूंकि ये प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन है, अतः विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर और इससे पूर्व तक कार्यरत रहे तीनों सम्मानित कुलपतियों के कार्यकालों का इसमें विवरण है। प्रोफेसर एसएस हसन, प्रोफेसर वीके पाठक और प्रोफेसर सुभाष धूलिया, उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में संकलित है। विश्वविद्यालय में वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों की संख्या 33,000 से ऊपर पहुंच चुकी थी और कुछ विषयों में वर्ष में 2 बार जुलाई और जनवरी में प्रवेश की व्यवस्था थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक दायित्व के साथ साथ समाजोत्थान के कार्य में भी अग्रसर है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हल्द्वानी विकासखंड की 5 ग्राम सभाओं मानपुर पश्चिम, तल्ली हल्द्वानी, गौजाजाली बिचली, धौलाखेड़ा, गौजाजाली उत्तर को गोद लिया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इन ग्रामों में आबादी 2000 से लेकर 8000 तक की है और यहाँ सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। शोध परामर्श एवं प्रसार निदेशालय द्वारा कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम संचालित किए गए और 1100 विद्यार्थियों को मारुति सुजुकी गुड़गांव में नौकरी मिली, 20 विद्यार्थियों को अशोक लीलैंड रुद्रपुर में नौकरी प्राप्त हुई और इस प्रकार की सफलता से विश्वविद्यालय के कौशल परक पाठ्यक्रम अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। वर्ष 2015-16 में हमारे सहायक प्राध्यापकों ने
बहुत सी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में प्रतिभाग किया तथा उनके द्वारा नियमित रूप से शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया और ये शोध पत्र साइटेशन इंडेक्स में भी आए हैं। इस दौरान विभिन्न विद्या शाखाओं के द्वारा कई कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। हमारी अधिसंरचना का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है सूचना प्रौद्योगिकी। 2010 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ICT यूनिट की स्थापना की गई और वर्तमान में हमारे पास अपना वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डाटाबेस सर्वर है। विश्वविद्यालय के पास इस समय 12 TB NAS की बैकअप धारिता क्षमता है। विश्वविद्यालय की 1 GBPS NKN नेटवर्क पाइप से जुड़ा है तथा 4 MBPS नेटवर्क पाइप के बैकअप की व्यवस्था है। ICT विभाग मूलतः सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में योजना निर्माण के साथ सूचना तकनीक निर्माण, हार्डवेयर प्रबंध, IT संभरण एवं सहायता, अधिप्राप्ति, आभासी शिक्षा अर्थात वर्चुअल एजुकेशन, कम्युनिटी रेडियो आदि कार्यों का संपादन करता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पोर्टल डेवलपमेंट, प्रयोज्यता संभरण, डाटा केंद्र प्रबंध, नेटवर्क प्रबंध, IT सेवाएं एवं संप्रेषण के कार्यों का निर्वहन करता है। विश्वविद्यालय में इसके द्वारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एडमिशंस, परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, इंट्रानेट, इसके अलावा बुक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन। हमने एक कियोस्क लगाया है जिससे कि विद्यार्थी उस कियोस्क के माध्यम से अपनी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें या अपना इनरोलमेंट नंबर। ई ग्रंथालय की सुविधा भी है, इंट्रानेट है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का प्रोविजन है। हमारे रीजनल सेंटर्स जो हैं उनके लिए प्रवेश फार्म, पुस्तक वितरण, परीक्षा फार्म, हार्डवेयर एवं प्रयोज्यता आदि इत्यादि सभी IT की मदद से किया जाता है। विश्वविद्यालय इस समय Wi-Fi है और CCTV कैमरों से हर एक हिस्सा इसका कवर्ड है। यहाँ पर हमने अभी हाल में ही MOOCs को कोर्स कंटेंट्स के पार्ट के रूप में एक्सेप्ट किया है, यानी 20% ऑफ द कोर्स कंटेंट्स कैन बी कंप्लीटेड बाय द लर्नर्स विद द हेल्प ऑफ MOOCs। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नाउ वी हैव गॉट आवर ओन OER पॉलिसी, हमारी अपनी पॉलिसी है और विश्वविद्यालय उसी पॉलिसी के तहत OER में सक्रियता से प्रतिभाग कर रहा है। विश्वविद्यालय अपने यहाँ के अतिरिक्त कुछ अन्य मुख्य केंद्रों पर स्मार्ट क्लासरूम डेवलप करने की योजना पर काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लासरूम डेवलप हो चुका है। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय स्मार्ट यूनिवर्सिटी की सभी अवधारणाओं को समाहित करता है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो रिपोर्टिंग पीरियड है, उस रिपोर्टिंग पीरियड में 5 जून 2015 को विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम संपन्न किया गया था और वैसे भी हमारा निरंतर ये प्रयास है कि किस प्रकार इस परिसर को हरित परिसर के रूप में बनाए रखा जा सके। इस प्रकार इस वार्षिक प्रतिवेदन में इन्हीं सब क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है जिनकी की एक संक्षिप्त झलक मैंने यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत की। अब मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वे महामहिम से स्नातकों को दीक्षोपदेश प्रदान करने हेतु आग्रह करें। माननीय कुलपति जी, इस दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्ष 2015-16 के स्नातकों को उपाधियां प्रदान करने के लिए किया गया है। स्नातक अग्रसर हों, समस्त अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं प्रत्युत्तर दें। मैं महामहिम कुलाधिपति जी से स्नातकों को दीक्षोपदेश प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूं। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को उच्छिन्न न करो, सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यवहार में प्रमाद न करो, ईश्वरीय कार्य में प्रमाद न करो,
स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्देश कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं, जो हमारे सुंदर आचार व कर्म हैं उन्हीं का पालन करो, अन्य का नहीं, जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, संकोच पूर्वक देना चाहिए, सहृदयता से देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो वह उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हों वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए, आपका मार्ग मंगलमय हो। दीक्षोपदेश के उपरांत विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकों के द्वारा अपनी अपनी विद्या शाखा के स्नातकों को प्रस्तुत किया जाएगा और महामहिम के द्वारा उन्हें उपाधि प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जिस समय उनकी विद्या शाखा की घोषणा की जाएगी। सर्वप्रथम में मानविकी, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन तथा शिक्षा शास्त्र विद्या शाखाओं के निदेशक प्रोफेसर HP शुक्ल को आमंत्रित करता हूं कि वे इन विद्या शाखाओं के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमन, मैं आपके समक्ष मानविकी विद्या शाखा के अंतर्गत MA अंग्रेजी के 376, MA हिंदी के 353, MA संस्कृत के 124, MA उर्दू के 21 और MA संगीत के 9, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा के अंतर्गत MJMC के 37, MAMC के 1, विज्ञान एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 3, पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 10 और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एवं न्यू मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 2 तथा शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा के अंतर्गत MA शिक्षा शास्त्र के 414 और MED के 59 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियां अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में यथा प्रिवर्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूँ जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। अब मैं समाज विज्ञान तथा विधि विद्या शाखाओं के निदेशक प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमन, मैं आपके समक्ष समाज विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत MA अर्थशास्त्र के 163, MA इतिहास के 111, MA राजनीति विज्ञान के 310, MA लोक प्रशासन के 29, MSW के 147, MA समाजशास्त्र के 355, MA मनोविज्ञान के 42, MA भूगोल के 6 तथा विधि विद्या शाखा के अंतर्गत मास्टर ऑफ लॉ के 77 और साइबर लॉ में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 30 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं।
मैं इन्हें संबंधित उपाधियां अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में यथा प्रिवर्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूं, जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य होने की प्रेरणा देता हूं। इसके पश्चात प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा तथा स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक की प्रास्थिति में स्वयं मैं इन विद्या शाखाओं के विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमन, मैं आपके समक्ष प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा के अंतर्गत एमबीए के 102, एमकॉम के 221, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 2, पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा के अंतर्गत एमएचएम के 27, एमटीएम के 10 तथा स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत एमए योग के 255, एमए योग एवं समग्र स्वास्थ्य के 1 और एमएससी योग एवं समग्र स्वास्थ्य के 1 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियां अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में यथा प्रिवर्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूँ, जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा तथा विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत इन विद्या शाखाओं के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करेंगे। श्रीमन, मैं आपके समक्ष कंप्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा के अंतर्गत एमसीए के 17, एमजीआईएस के 43, एमएससी आईटी के 10, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 22, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 13 तथा विद्या शाखा के अंतर्गत एमएससी वनस्पति विज्ञान के 98, एमएससी रसायन के 91, एमएससी भौतिकी के 100, एमएससी गणित के 17, एमएससी जंतु विज्ञान के 10, एमएससी पर्यावरण विज्ञान के 2, एमएससी भूगोल के 1 और आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 10 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियाँ अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूँ। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में यथा प्रवृत्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूं, जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। अब मैं कुल सचिव की प्रास्थिति में स्नातक स्तर के समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। क्रमशः बीए के 1301, बीबीए के 8, बीकॉम के 230, बीएचएम के 311, बीटीएस के 9, बीवाईएन के 62, बीएससी के 19, बीसीए के 15, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के 5 अभ्यर्थियों को स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधि के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधि प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर
मैं आपको संबंधित विषयों में यथाप्रिवर्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूँ, जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों के नामों की घोषणा करूंगा। विद्यार्थी एक एक कर मंच पर आएंगे और अपना स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र लेकर दूसरी ओर से उतर जाएंगे। संबंधित टीमें कृपया इसकी व्यवस्था करें। विश्वविद्यालय इस वर्ष 18 स्वर्ण पदकों के अतिरिक्त 2 चांसलर्स गोल्ड मेडल भी दे रहा है और वो चांसलर्स गोल्ड मेडल टॉपर्स अमंगस्ट टॉपर्स को दिए जाएंगे। मैं सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेताओं के नामों की घोषणा कर रहा हूं और महामहिम से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। नमामि बंसल, एमए अर्थशास्त्र। उमेश चंद्र जोशी, एमए शिक्षा शास्त्र। आकांक्षा गर्ग, एमए अंग्रेजी। नेहा चौहान, एमए इतिहास। नमिता बोरा, एमए राजनीति विज्ञान। हरीश चंद्र डंगवाल, एमए संस्कृत। रूपा पालीवाल, एमए समाजशास्त्र। अमित चौधरी, एमए योग। अमिता बरगली, एमबीए। शैलजा सिंह, एमकॉम। रेखा पंत, एमएससी वनस्पति विज्ञान। प्रकाश सिंह, एमएससी रसायन विज्ञान। पवन कुमार दुबे, एमएससी भौतिकी। डॉक्टर महेश कुमार, एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। स्नातक स्तर पर स्वर्ण पदक के लिए मैं बुला रहा हूं हुदा अब्दुल गफ्फार जरीवाला, बीएचएम। दीपक थपलियाल, बीए। विभोर शर्मा, बीकॉम।
इन्हीं टॉपर्स में से जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले हैं तथा जिन्होंने न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के नाम एक का परास्नातक स्तर पर और एक का स्नातक स्तर पर मैं घोषित कर रहा हूं। पहला नाम है अमित चौधरी, एमए योग, चांसलर्स मेडल। हुदा अब्दुल गफ्फार जरीवाला, बीएचएम। अब मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वे महामहिम जी से दीक्षांत उद्बोधन हेतु अनुरोध करें। मेरा महामहिम कुलाधिपति महोदय से सादर अनुरोध है कि वे दीक्षांत उद्बोधन देने की कृपा करें। वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मिश्रा, विद्या परिषद के सदस्य, कार्य परिषद के सदस्य, विद्या शाखाओं के निदेशक, डिस्टिंग्विश गेस्ट्स, पत्रकार बंधुओं एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे इस बात की अत्यधिक खुशी हो रही है कि मात्र 6 महीने के अंतराल में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपना द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया है। यह इस बात का संकेत है कि विश्वविद्यालय आदर्श मानकों की पूर्ति की ओर तेजी से अग्रसर है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सदस्यों, शिक्षकों और संस्थान से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि यह विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के सभी सोपानों तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास गंभीरता से जारी रखेगा। राष्ट्र निर्माण तथा समाज को लाभान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों का लक्ष्य होना चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति के आधारशिला पर युवाओं की प्रतिभा, जोश और रचनात्मक शक्तियों के मानवीय मूल्यों को वैज्ञानिक सोच से पोषित करके उन्हें नवाचार की संरचना के लिए प्रोत्साहित करें। मैं इस गौरवशाली अवसर पर डिग्री, डिप्लोमा, उपाधि प्राप्त करने वाले और अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वे जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां अपनी शिक्षा, दीक्षा, संस्कारों और आचरण के आधार पर नए आदर्श स्थापित करके अपने प्रदेश और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यह हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि 12 वर्ष पूर्व स्थापित इस संस्थान में पहले साल छात्रों की संख्या केवल 2774 थी, जो अब बढ़कर 38,000 तक पहुंच गई है। तेजी से बढ़ता आंकड़ा यह प्रमाणित करता है कि मुक्त विश्वविद्यालय को अपनी सार्थकता साबित करने में सफलता मिल रही है। यह सुखद है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के पर्वतीय, मैदानी, सुदूरवर्ती, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ ही देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों, गृहिणियों, कामकाजी पुरुषों और महिलाओं के लिए भी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 8 क्षेत्रीय केंद्रों तथा 229 अध्ययन केंद्रों द्वारा कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि जैसे पारंपरिक विषयों के साथ ही रोजगार परक व्यवसायिक विषयों के 70 पाठ्यक्रमों का संचालन करके लोगों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इस सफलता के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विश्वविद्यालय प्रबंध तंत्र से जुड़े सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। हमारी जिम्मेदारी यहीं पर पूरी नहीं हो जाती। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तथा अन्य कारणों से नियमित कक्षाओं में प्रवेश लेने में असमर्थ प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति की उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच बनाना विश्वविद्यालय का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक
पृष्ठभूमि के आलोक में स्थानीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की मांग के अनुरूप समय समय पर पाठ्यक्रमों में बदलाव तथा विद्यार्थियों का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार व रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए भी विश्वविद्यालय को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। हम सबके लिए यह प्रसन्नता की बात है कि 8 दिसंबर 2016 को इसी परिसर में उत्तराखंड की प्रथम आईटी एकेडमी स्थापना हो चुकी है। प्रदेश की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का सबसे सशक्त संसाधन अब हमारे पास मौजूद है। इससे राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को अपने सूचना तकनीक तंत्र को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बेहतरीन तकनीकी संसाधन व नव स्थापित आईटी एकेडमी न केवल छात्रों को डिजिटल लिटरेसी में प्रशिक्षित कर सकते हैं बल्कि पूरे प्रदेश में इस अभियान को प्रभावशाली गति दे सकते हैं। मेरी अपेक्षा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सूचना एवं संचार की सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उन सभी जरूरतमंदों और जिज्ञासुओं को दूरस्थ शिक्षा पद्धति से लाभान्वित करें जो अपरिहार्य कारणों से औपचारिक पद्धति से उच्च तकनीकी शिक्षा पाने में अभी तक असमर्थ हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की विशेष उपयोगिता है। इसके माध्यम से कम समय में गुणवत्तापूर्ण कौशल आधारित अध्ययन सामग्री का विकास और निर्माण में मदद मिल सकती है। विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों की समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत में यह भी आशा करता हूँ यह विश्वविद्यालय प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा। सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी का संचालन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक सराहनीय प्रयास है जो मुक्त शिक्षा प्रणाली की सफलता में सशक्त भूमिका निभा सकता है। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर शैक्षिक सामाजिक और तकनीकी पहलुओं पर वार्ता प्रसारित की जानी चाहिए जिससे छात्रों को रुचिकर और उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो सके। कम्युनिटी रेडियो को अधिक से अधिक छात्र केंद्रित बनाए जाने की भी अच्छे परिणाम संभावित हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय को प्रयास करने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की नव भारत निर्माण की परिकल्पना के अंतर्गत संचालित सभी प्रमुख जन कल्याणकारी अभियानों के प्रति जन जागरूकता तथा शिक्षा के संदर्भ में युवाओं की जिज्ञासाओं व सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए हेलो हल्द्वानी का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। आज के समय में मुक्त एवं सुदूरवर्ती शिक्षा आंदोलन की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को बढ़ाने में आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग नितांत आवश्यक है। संचार क्रांति के इस युग में हर क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है कि कई चीजें जन सामान्य की जानकारी में आने से पहले ही अप्रचलित या अप्रासंगिक हो जाती हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि मौजूदा पाठ्य सामग्री को नई जानकारी के साथ निरंतर अद्यतन कराया जाए। वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विकसित करने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहनी आवश्यक है। भविष्य में कामकाजी छात्र की मांग की संभावनाओं को देखते हुए हमारे सभी विश्वविद्यालयों को जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करने में रुचि रखने वालों के लिए भी नए कार्यक्रम डिजाइन करने चाहिए। निकट भविष्य में रोजगार से संबंधित लक्ष्यों में मददगार अकेडमी कार्यक्रम की भी मांग बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत शिक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों की सीखने की गति के बीच तालमेल बैठाना होगा। विश्वविद्यालय को एक ऐसी ठोस नीति बनाने में भी सहयोग करना चाहिए जिससे लोग समान आधार पर एक साझे भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकें। ऐसे अवसर भी विकसित करने के लिए पहल करनी होगी जिससे पूरे प्रदेश के विद्यार्थी वैचारिक आदान प्रदान द्वारा एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। इसी तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा सकता है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि यह विश्वविद्यालय मुख्यालय के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख केंद्रों पर स्मार्ट कैंपस का निर्माण करने जा रहा है। यह एक अच्छी पहल है। इससे छात्र लाभान्वित होंगे तथा विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में नवीनता भी आएगी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रों पर वर्चुअल क्लासरूम या आभासीय शिक्षण केंद्र बनेंगे। इस विधा में डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ पाठ्य सामग्री को कंटेंट के रूप में विकसित करना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक इंटरेक्टिव क्लास के माध्यम से छात्रों से सीधे संवाद स्थापित करके उनका ज्ञानवर्धन करें। भारत एक युवा राष्ट्र है जिसकी कुल आबादी का 63% हिस्सा
35 वर्ष से कम उम्र का है। समग्र विकास के लिए इस युवा आबादी को आधुनिक तकनीक से जोड़ना होगा, तभी हम तेजी से बदलती दुनिया की रफ्तार से कदम मिला सकेंगे। इतिहास गवाह है कि तकनीक सैकड़ों वर्षों से मानव सभ्यता की तरक्की को दिशा देती रही है। मुक्त विश्वविद्यालय पर अलग अलग परिवेश और व्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि के लोगों को शिक्षा देने का जिम्मा है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ा फर्क है। मेरा सुझाव है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के परिवेश में दूरस्थ शिक्षा को मजबूत और सफल बनाने के लिए देश विदेश के प्रतिष्ठित मुक्त विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए। जो सबसे सफल विश्वविद्यालय हैं उनके मॉडल को अपने राज्य की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है। देश में 60% से अधिक युवा आज भी कौशल आधारित ज्ञान से वंचित हैं। उन्हें रोजगार की चुनौतियों से सामना करने के लिए सक्षम बनाना होगा। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत आवश्यक है कि छात्रों को ऐसी व्यवहारिक व कौशल पर शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आज के युग में केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों का कोई खास औचित्य नहीं है। पाठ्यक्रमों के चयन करते समय उत्तराखंड के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अभाव तथा जीविका के संसाधनों की कमी से बढ़ते पलायन को ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय को स्थानीय लोगों की क्षमताओं, आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल को सुदृढ़ करने के साथ ही प्लेसमेंट कैंप भी निरंतर आयोजित करने होंगे, नए छात्रों और जन सामान्य में यह विश्वास जागृत करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा गठित पूर्व छात्र प्रकोष्ठ यानी एलुमनाई सेल को और प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए प्रतिवर्ष एक पूर्व छात्र सम्मेलन भी आयोजित किया जाना आवश्यक है। मेरी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ गांवों को गोद लेकर उनके शैक्षिक विकास एवं स्वावलंबन पर बल दिया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय ने भी ऐसा प्रयास किया है जो भविष्य में अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय के इस प्रयास से गोद लिए गए गांवों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ फल संरक्षण व विभिन्न प्रकार के पुष्प उत्पादन आदि की जानकारियां विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही हैं, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा समाज के उन वर्गों की शैक्षिक उन्नति का एक प्रभावशाली माध्यम बन रही है जो अनेक कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आज के परिवेश में दूरस्थ शिक्षा को ठीक से समझने व बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सफल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी यह माना है कि उच्चतर शिक्षा में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दूरस्थ शिक्षा में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है। आज संपूर्ण उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में दूरस्थ शिक्षा के छात्र लगभग 1/4 हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को समाज की नवीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर छात्रों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें निरंतर जागरूक करते रहना होगा। शिक्षकों को मेरा सुझाव है कि वे शिक्षण के नवीनतम और तौर तरीकों को अपनाकर दूरस्थ शिक्षा पद्धति को अधिक गुणवत्तापरक और लाभकारी बनाने का प्रयास करें। पाठ्य सामग्री के स्तर से कोई समझौता न करें तथा वार्षिक पाठ्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श कक्षाओं का संचालन करें। छात्रों में सीखने की कला विकसित करने में भी शिक्षकों को अहम भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री जी के नव भारत निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप में परिवर्तित करने में यह विश्वविद्यालय और उसके छात्र विशेष भूमिका निभा सकते हैं। यह खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय ने इस दीक्षांत समारोह के निमंत्रण पर स्वच्छ भारत का प्रतीक अंकित किया है। शिक्षा व सामाजिक दायित्वों के बीच गहरा संबंध है। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है, शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। वही शिक्षा है जो देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाए और देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का आयोजन प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए गौरव तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि प्रमाणित करने का अवसर है। दीक्षांत समारोह में आपने पढ़ाई व परीक्षाओं में दक्ष होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देने के साथ साथ यह भी याद दिलाना चाहता हूं
कि आप जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें चुनौतियों के साथ मान और प्रतिष्ठा के अवसर भी निरंतर मिलते रहेंगे। चुनौतियों का सामना संस्कार और शिक्षा से अर्जित आत्मबल द्वारा किया जा सकता है। महान व्यक्तियों की जीवनी तथा अच्छी पुस्तकों के अध्ययन की आदत के साथ ही नया सीखने की ललक और लगन को हमेशा जीवंत रखें। किताबें सबसे विश्वसनीय मित्र के रूप में अतीत को समझने और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करती हैं। सीखने और पढ़ने की अभिरुचि आपकी वैचारिक शक्तियों को मजबूत करेगी, इनोवेशन की प्रेरणा मिलेगी तथा विपरीत परिस्थितियों में किसी एक समस्या के समाधान के लिए अनेक मार्ग भी खुलेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि शिक्षित होने का अर्थ है जिम्मेदार होना और यह महसूस करना कि जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की एक ईंट रखता है तो वह राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान करता है। आधुनिक युग में समाप्त होते मानवीय मूल्य और संवेदनाओं को बचाए रखना भी एक शिक्षित इंसान की अहम जिम्मेदारी है। अपनी सकारात्मक और मजबूत सोच से आप देश, समाज और स्वयं का भला करने में सक्षम होंगे तथा भारतीय संस्कृति के सच्चे हित चिंतक के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने में भी समर्थ होंगे। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का आधार है। शिक्षा सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक होती है और रचनात्मक दिशा की ओर ले जाती है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उपयोगी बनाने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है। सभी महान विचारकों ने शिक्षा को चेतना और चारित्रिक उन्नति की कुंजी बताते हुए सबको शिक्षा की बात कही है। शिक्षा एक ऐसी अंतहीन यात्रा है जिसमें सभी को समाज और देश के लिए कुछ करने की सतत प्रेरणा मिलती है। साथियों, मुझे भरोसा है कि आपने जिस मकसद से पढ़ाई की है उसे हासिल करने के लिए शिक्षा, प्रतिभा, कौशल और संस्कारों के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित करते हुए अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी बनकर इस विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाएंगे। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो। समय समय पर होने वाले बदलावों के साथ साथ चलते हुए यह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित कर जन सामान्य का विश्वास हासिल करके देश के आदर्श मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में शामिल हो। आज उपाधि प्राप्त सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित मैं विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सभी सदस्यों, प्राध्यापकों समेत इस संस्था से जुड़े समस्त लोगों को समारोह के सफल आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब माननीय कुलपति जी से निवेदन करूँगा कि वे विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रतीक चिन्ह माननीय कुलाधिपति को प्रस्तुत करें। और इसी के साथ मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वे महामहिम से दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मेरा महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वे दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। अब मैं शैक्षिक शोभा यात्रा की वापसी के लिए अनुरोध करता हूँ। शैक्षिक शोभा यात्रा पंडाल से वापस जाएगी
और इस दौरान सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कृपया पंडाल से बाहर न जाएं, सभी अपने स्थान पर खड़े रहें।